ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कार्नोट इंजन है जहां पे T2 और T1 मतलब लोअर और हायर टेम्परेचर दे रखे हैं, एफिशिएंसी ζ1, और जब T2 और T1 बदल जाते हैं, T1 T2 बदल जाते हैं तो एफिशिएंसी ζ होती है, तो व्हाट इज द रेशियो। आसान सा सवाल है, ζ1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - T2 लोअर टेम्परेचर जो 0 है, तो 273 divided by 273 + 200 473, ये पहले की एफिशिएंसी है और दूसरे की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस। अब यहाँ पे लोअर टेम्परेचर देखिए -200 सेंटीग्रेड है, मतलब ये 73 केल्विन / 273 हो। अब हमें निकालना है ζ1 / ζ2। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन इजिली सॉल्व, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करिए और बड़े आराम से इसका आंसर निकल आएगा। और आंसर है इसका 21 का आंसर देखिए क्या है, लेट मी टेल यू, इट इज ए। इसका आंसर आ जाएगा ए 0.577।